नेपाल के टॉप लीडर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी चीफ पुष्प कमल दहल प्रचंड दूसरी बार देश की सत्ता संभालने की तैयारी कर रहे हैं। नेपाल पीएम पद के चुनाव के लिए 2 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल किया है। नेपाल में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव आज है और इससे देश की अस्थिर राजनीतिक स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने सीपीएन माओवादी सेंटर के प्रमुख प्रचंड की उम्मीदवारी का प्रस्ताव दिया और माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महारा ने इसका समर्थन किया। प्रचंड के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के लिए मधेशी पार्टियों का समर्थन हासिल करने के मकसद से नेपाली कांग्रेस और सीपीएन माओवादी सेंटर ने मधेशी फ्रंट के साथ 3 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री पद के लिए प्रचंड एकमात्र आधिकारिक उम्मीदवार हैं। नेपाल में आंदोलन कर रहे यूनाइटेड मधेशी फ्रंट ने प्रचंड के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया है। ऐसे में प्रचंड को कम से कम 360 वोट मिल सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीतने के लिए 298 मतों की जरूरत है। गौरतलब है कि केपी ओली ने बीते 24 जुलाई को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद नेपाल में नया राजनीतिक संकट पैदा हो गया। ओली के इस्तीफे के बाद से प्रधानमंत्री का पद खाली पड़ा है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।